नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज संडे है और संडे को हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते, जैसा मैंने आपको पिछले संडे को ही बताया था। मैंने आपको बताया था कि संडे को हम इंडियन बेसिक हिस्ट्रीज पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संडे के करंट अफेयर्स छोड़ देंगे। हम संडे के करंट अफेयर्स हफ्ते के आने वाले दिनों में कवर कर लिया करेंगे। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इन वीडियोस को देख पाएं। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने इतिहास शब्द की उत्पत्ति पर बात की थी, साथ ही देखी थी इतिहास की परिभाषा और विश्व के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस के विषय में पढ़ा था। इसके अलावा हमने तीन कैलेंडरों पर बात की थी, जिनमें जूलियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर शामिल थे। इन्हीं कैलेंडर्स पर मैंने आपको बताया था कि हम भारतीय इतिहास को ईसाई कैलेंडर के हिसाब से पढ़ते हैं और ईसाई कैलेंडर में हमने ईसा पूर्व एवं ईसवी की भी बात की थी। इसके अलावा हमने दशक, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, शताब्दी और सहस्त्राब्दी की बात पिछले वीडियो में की थी। दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है और किस भाग के अंतर्गत कितनी समयावधि निर्धारित की गई है और इन निर्धारित समयावधि पर भारत के किन राजवंशों ने शासन किया है। दोस्तों, हम बेसिक इंडियन हिस्ट्री में आगे बढ़ें इसके पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति अभी भी अनबूझा सवाल है। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी और कैसे विश्व में फैली, इसके आदि पूर्वज कौन थे, क्या मनुष्य ऐसा ही आदि में था जैसा आज है, यह सवाल आज भी हमारे लिए एक अनबूझी पहेली है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, किंतु इनका कोई सटीक जवाब हमारे पास आज भी नहीं है। जो जवाब हैं वे धर्म ग्रंथों के अनुसार हैं या वैज्ञानिक विधा में हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथ मनुष्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की व्याख्या करते हैं जो हमारे मानदंडों के अनुसार बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते। आइए पहले बात करते हैं मनुष्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांतों की। दोस्तों, मनुष्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में पहला सिद्धांत हिंदू धर्म से संबंधित है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया है और पृथ्वी के निर्माण के समय ही भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग माया से एक स्त्री और पुरुष को पैदा किया एवं उन्हें आदेश दिया कि वे धरती पर रहकर मनुष्य की संतति को बढ़ाएं। हिंदू धर्म के दूसरे सिद्धांत के अनुसार ही यह माना जाता है कि प्रत्येक 71वें सतयुग में पृथ्वी जलमग्न होती है, किंतु पृथ्वी की इस जलमग्न अवस्था में कुछ मनुष्य हिमालय पर जीवित बच जाते हैं और यही मनुष्य आगे चलकर धरती पर मानव संतति को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगला सिद्धांत ईसाई धर्म से संबंधित है। बाइबिल के अनुसार आज से 2,09,000 वर्ष पहले ईसु ने एडम ईव को सजा के तौर पर पृथ्वी पर भेजा था, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई और वह संपूर्ण विश्व में फैल गई। दोस्तों, चूंकि जीसस यरूशलेम में थे, इसलिए वही मनुष्य के आदि माता और आदि पिता आदम और ईव माने जाते हैं। यदि इसे सच माने तो पूरी दुनिया में यरूशलेम की संस्कृति और भाषा होनी चाहिए थी, जो नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा 13वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक द बुक ऑफ स्प्लेंडर में स्पेनार्ड मोसेन डी लियोन ने यह लिखा है कि जेहोवा ने एक ही वक्त में एक पुरुष एडम व एक स्त्री लिलित को उत्पन्न किया और दोनों पति पत्नी बनाए गए, किंतु एडम अत्यंत निर्दयी व क्रूर स्वभाव का था, इसी वजह से उसकी पत्नी लिलित उसे कुछ समय में ही छोड़कर चली गई।
जिससे एडम अत्यंत दुखी रहने लगा और उसने ईश्वर से प्रार्थना की। एडम की प्रार्थना सुनकर यहोवा ने ईव को उत्पन्न किया और उसे एडम की पत्नी बनाया और दोनों को आदेश दिया कि तुम लोग पृथ्वी पर मनुष्य की संतति बढ़ाओ। दोस्तों, इस तरह से पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग हैं, किंतु इन्हें मान पाना हमारे लिए असंभव है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह से हमारे मानदंडों पर खड़े नहीं उतरते। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति के वैज्ञानिक सिद्धांत की। दोस्तों, पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति के वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम इंग्लैंड के जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, डार्विन ने अपनी निम्नलिखित तीन रचनाओं के माध्यम से पृथ्वी पर मनुष्य के क्रमिक विकास को समझाने की कोशिश की। दोस्तों, इस क्रम में डार्विन की पहली किताब द बॉयज ऑफ वीगल वर्ष 1839 में प्रकाशित हुई। दूसरी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 में प्रकाशित हुई। तीसरी किताब द डिसेंट ऑफ मैन 1870 में प्रकाशित हुई। दोस्तों, डार्विन ने अपनी इन किताबों में इस बात को समझाने की कोशिश की कि मनुष्य की उत्पत्ति किसी दैवीय प्राणी के रूप में अचानक नहीं हुई है, बल्कि पृथ्वी पर मनुष्यों का क्रमिक विकास हुआ है। दोस्तों, डार्विन का कहना है कि जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। प्राणियों की हर पीढ़ी में इस प्रकार के जीव संघर्ष के परिणाम स्वरूप नए नए उपयोगी लक्षणों का निर्माण होता है और ये लक्षण उनकी संतानों में वंशागत हो जाते हैं। इस प्रकार हजारों लाखों वर्ष बाद की संतति अपने पूर्वजों से पूर्णतः भिन्न हो जाती है, जैसा कि आज हम होमो सेपियंस से एकदम भिन्न है। दोस्तों, डार्विन का यह मत बाइबिल में प्रतिपादित दैवीय उत्पत्ति मत अर्थात ईश्वर द्वारा सृष्टि रचना के मत से पूर्णतः भिन्न था। दूसरे शब्दों में डार्विन का क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत बाइबिल में उल्लेखित मानव की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन करता है। डार्विन के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिष्ठित हो जाने पर मानव ने एक लंबा इतिहास प्राप्त कर लिया। अब मनुष्य ईश्वरीय सृष्टि की विशिष्ट रचना नहीं रहा और ना ही उसकी उत्पत्ति अचानक हुई, बल्कि उसका क्रमिक विकास हुआ। दोस्तों, क्रमिक विकासवाद की सोच ने जीव जगत के अंतर्गत मनुष्य का एक लंबा वंश वृक्ष तैयार करने में महती भूमिका निभाई है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय इतिहास के विभाजन की। दोस्तों, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है और इन तीन भागों के अंतर्गत अलग अलग समयावधि निर्धारित की गई है और इन समयावधि में भारत में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है। दोस्तों, यदि बात करें भारतीय इतिहास के विभाजन की, तो इसे निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले यदि प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाए, तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो समय अवधि रखी गई है वह अज्ञात काल से लेकर 2500 बीसी तक की समय अवधि है। दोस्तों, बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी यह ईसा मसीह के जन्म के पहले का विभाजन है। तो प्राग ऐतिहासिक काल अज्ञात काल से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले तक का समय है। इसमें अज्ञात काल के अंतर्गत उस समय को रखा जाता है जिस समय के विषय में हमें पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं है, किंतु यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी पर इस समय में भी मानव विकास हुआ होगा या मनुष्य रहे होंगे। दोस्तों, अज्ञात काल के अंतर्गत 10,000 BC, 20,000 BC, 30,000 BC, 40,000 BC
कितना भी समय शामिल किया जा सकता है। तो अज्ञात काल से लेकर 2500 बीसी तक का समय भारतीय इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा विभाजन है आद्य ऐतिहासिक काल, या इसी को हम उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल वहीं से शुरू होता है जहां पर प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त होता है। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल 2500 बीसी पर जाकर समाप्त हो जाता है और यहीं से आरंभ होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल की समयावधि 2500 बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले से लेकर 600 बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले तक का समय हम आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल करते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का लगभग 1900 वर्षों का समय शामिल है। इसके बाद अगली बात कर रहे हैं ऐतिहासिक काल की। तो दोस्तों, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 600 बीसी से लेकर अब तक का समय रखा जाता है। 600 बीसी से अब तक का समय यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद से लेकर अब तक का समय हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल ईसा मसीह के जन्म के पहले के विभाजन हैं, जबकि ऐतिहासिक काल में कुछ समय यानी लगभग 600 सालों का समय ईसा मसीह के जन्म के पहले का है और बाकी समय ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब तक का है। दोस्तों, इसमें भी प्रागैतिहासिक काल को कुछ अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, आद्य ऐतिहासिक काल को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया और ऐतिहासिक काल को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। तो प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। दोस्तों, पुरापाषाण काल के अंतर्गत अज्ञात काल से लेकर 8000 बीसी तक की समय अवधि शामिल की जाती है। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक की समय अवधि शामिल की जाती है, जबकि नव पाषाण काल के अंतर्गत 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक की समय अवधि शामिल की जाती है। दोस्तों, भारत में प्राग ऐतिहासिक कालीन पुरातत्व की खोज आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस हूट को जाता है। इसी वजह से हम रॉबर्ट ब्रूस हूट को प्राग ऐतिहासिक कालीन पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। भारत में पुरापाषाण काल को खोजने का श्रेय भी रॉबर्ट ब्रूस हूट को जाता है, जबकि मध्य पाषाण काल की खोज आरंभ करने का श्रेय जॉन इवांस को जाता है और नव पाषाण काल की खोजों को आरंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोस को जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रागैतिहासिक काल को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और इसकी संपूर्ण समय अवधि अज्ञात काल से लेकर 2500 बीसी तक की है। आइए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय इतिहास के अगले विभाजन की यानी आद्य ऐतिहासिक काल की, या इसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, जिसकी समय अवधि 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की है। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल को भारत में दो अलग अलग सभ्यताओं के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया, पहली सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी वैदिक सभ्यता। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक की है यानी लगभग 1000 वर्षों की। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय और विशाल सभ्यता थी, जिसकी खोज का श्रेय दयाराम साहनी, मार्शल टीटो और आर डी बनर्जी को जाता है। जबकि अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का समय है। दोस्तों, भारत में सिंधु घाटी जैसी नगरीय सभ्यता के अंत का एक मत है भारत में आर्यों का आक्रमण, और जैसे ही भारत में आर्य आए और आर्य सभ्यता शुरू हुई, उसी समय भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है यानी 1500 बीसी से 600 बीसी तक का समय वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है। 1500 बीसी में जहां सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, वहीं आर्यों के भारत में आने और बसने के परिणाम स्वरूप वैदिक सभ्यता आरंभ हुई।
और इसकी समयावधि लगभग 900 वर्षों की है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता का पहला भाग ऋग्वैदिक काल है, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और इस समय भारतीय समाज का मुख्य आधार ऋग्वेद ही था। इसी वजह से इस सभ्यता को हम ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं, जो लगभग 500 वर्षों का समय है, यानी 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का समय ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल के बाद जैसे ही आर्यों के जीवन में, आर्य समाज में कुछ परिवर्तन आए, तो उत्तर वैदिक सभ्यता शुरू हुई, यानी उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई। और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर 600 BC तक का समय माना जाता है। भारत में उत्तर वैदिक काल के दौरान, यानी 1000 BC से 600 BC के दौरान, अन्य तीन वेदों की रचना हुई, जिसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को हम शामिल करते हैं। तो इस तरह से ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में बाकी के तीन वेदों की रचना हुई। ये पूरा आद्य ऐतिहासिक काल, जो 2500 BC से लेकर 600 BC तक का समय है, और जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित करते हैं। वही वैदिक सभ्यता को भी हम ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में विभाजित करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय इतिहास के तीसरे विभाजन की, यानी ऐतिहासिक काल की। दोस्तों, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ऐतिहासिक काल को भी तीन अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ये तीन अलग अलग भाग हैं, प्राचीन कालीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, पूरे ऐतिहासिक काल की समय अवधि 600 BC से लेकर अब तक की है, यानी ऐतिहासिक काल में ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले का समय और जन्म के बाद से लेकर अब तक का समय शामिल किया जाता है। दोस्तों, यदि इसमें हम बात करें प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की, तो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की समय अवधि है 600 BC से लेकर 712 ईस्वी तक की, यानी प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो समय रखा गया है वह ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के बाद के 700 साल तक का समय है, यानी लगभग 1300 वर्षों का समय प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का समय, यानी लगभग 1000 वर्षों का समय शामिल किया जाता है। ऐतिहासिक कालीन भारत का तीसरा विभाजन है आधुनिक कालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक कालीन भारत के इतिहास की समय अवधि है 1707 ईस्वी से लेकर अब तक की। तो इस तरह से ऐतिहासिक काल को हम तीन अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। दोस्तों, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम ऐतिहासिक काल के पहले विभाजन की बात करते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक काल का पहला विभाजन है प्राचीन कालीन भारत का इतिहास, जिसकी समय अवधि 600 BC से लेकर 712 ईस्वी तक की, यानी लगभग 1300 वर्षों की है। दोस्तों, इन 1300 वर्षों में भारत में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, और इन्हीं राजवंशों के शासन के क्रम अनुसार प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को अलग अलग भागों में बांटा गया है। दोस्तों, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास का पहला विभाजन है महाजनपद काल, दूसरा मगध काल, तीसरा मौर्य काल, चौथा मौर्योत्तर काल, पांचवा गुप्त काल, और छठा विभाजन है हर्षवर्धन काल। दोस्तों, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास का पहला काल, यानी महाजनपद काल, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उस वक्त शुरू हुआ जब भारत में उत्तर वैदिक काल अपने अंतिम चरणों में था। दोस्तों, महाजनपद काल के अंतर्गत भारत में 16 बड़े बड़े महाजनपद थे, और इन्हीं महाजनपदों की वजह से इस समय को महाजनपद काल कहा जाता है। महाजनपद काल के दौरान ही महाजनपद काल के 16 बड़े राजवंशों में से एक मगध राजवंश ने अपनी सत्ता को
सर्वोच्चता के शिखर तक पहुंचा दिया और बिंबिसार ने लगभग 600 बीसी में मगध राजवंश की स्थापना की। इस तरह से प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास का दूसरा राजवंश सामने आया जो मगध राजवंश था। दोस्तों, मगध राजवंश की समयावधि लगभग 600 बीसी से 300 बीसी तक की थी। इस समयावधि में भारत में मगध राजवंश के तीन वंशों ने शासन किया, जिसमें हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को शामिल करते हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम वंश नंद वंश था। दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे और धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर पराजित किया था। और धनानंद के पराजित होने के साथ ही भारत में अगले राजवंश की शुरुआत हुई और यह राजवंश था मौर्य राजवंश, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। मौर्य साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य बने, जिनका राज्याभिषेक लगभग 322 बीसी में हुआ। और इस तरह से मौर्य साम्राज्य की समयावधि लगभग 322 बीसी से लेकर 184 बीसी तक थी। दोस्तों, 184 बीसी में मौर्य राजवंश कमजोर पड़ा और मौर्य राजवंश के कमजोर पड़ने का फायदा मौर्यों के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उठाया और मौर्य राजवंश के अंतिम शासक की हत्या कर भारत में शुंग राजवंश की नींव रखी। और शुंग राजवंश की नींव के साथ ही 184 बीसी में भारत में मौर्योत्तर काल की शुरुआत हुई। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत भारत में कई सारे छोटे छोटे राजवंशों ने शासन किया, जिनमें हम शुंग राजवंश और कुषाण राजवंश को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, मौर्योत्तर काल की समयावधि 184 बीसी से 319 ईस्वी तक की मानी जाती है। 319 ईस्वी में भारत में एक और शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ और यह था गुप्त राजवंश। और गुप्त राजवंश ने जिस समय अवधि में शासन किया उसे हम गुप्त काल कहते हैं। दोस्तों, गुप्त राजवंश ने लगभग 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। वैसे तो गुप्त राजवंश की नींव तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में श्रीगुप्त के द्वारा रखी गई थी, किंतु फिर भी गुप्त राजवंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त राजवंश की बागडोर संभाली। दोस्तों, गुप्त राजवंश भारत में 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक शासन करता रहा, लेकिन 550 ईस्वी तक भारत से गुप्त राजवंश का भी लगभग अंत हो गया और इसके बाद प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम राजवंश यानी कि हर्षवर्धन राजवंश की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस राजवंश के प्रमुख शासकों में हम केवल हर्षवर्धन को पढ़ते हैं और इसीलिए इसे हर्षवर्धन काल भी कहा जाता है। दोस्तों, इस काल में हर्षवर्धन ने भारत में प्रमुखता हासिल कर ली। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ और हर्षवर्धन की मृत्यु लगभग 647 ईस्वी में हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम शक्तिशाली राजवंश यानी कि हर्षवर्धन राजवंश भी समाप्त हो गया और इस तरह से प्राचीनकालीन भारतीय राजवंश जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था लगभग 712 ईस्वी तक संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। दोस्तों, अगली बात कर रहे हैं ऐतिहासिक कालीन भारत के दूसरे विभाजन की यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की समय अवधि 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक यानी लगभग 1000 वर्षों की है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत। दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी की समय अवधि को शामिल किया जाता है, जबकि उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की समय अवधि को शामिल किया जाता है। दोस्तों, इस दौरान यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अलग अलग राजवंशों का शासन रहा। इसी वजह से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारतीय राजवंश के शासक, दक्कन के शासक और दक्षिण भारत के शासकों को अलग अलग पढ़ते हैं। दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन भारतीय
इतिहास के अंतर्गत 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के समय में हम उत्तर भारत में पाल राजवंश, सेन राजवंश, प्रतिहार राजवंश, राजपूत राजवंश, चौहान राजवंश और दिल्ली सल्तनत के शासकों को पढ़ते हैं, जबकि दक्कन में चालुक्य राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश को पढ़ते हैं, और दक्षिण भारत में चेर राजवंश, चोल राजवंश, पांड्य राजवंश और पल्लव राजवंश के शासकों को पढ़ते हैं। वहीं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान ही उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी की समय अवधि के दौरान हम उत्तर भारत में राजपूत राजवंश, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों को पढ़ते हैं, जबकि दक्कन में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मराठा शासकों को पढ़ते हैं, और दक्षिण भारत में पांड्य एवं होयसल राजवंश के शासकों को पढ़ते हैं। दोस्तों, इस तरह से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत के राजवंशों को अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक काल के दूसरे विभाजन के बाद हम बात करेंगे तीसरे विभाजन यानी आधुनिककालीन भारतीय इतिहास की। तो आधुनिककालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत 1707 ईस्वी में होती है, और आधुनिककालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम मुख्य रूप से अंग्रेजी शासकों को पढ़ते हैं। अंग्रेजों के अतिरिक्त आधुनिककालीन भारतीय इतिहास में ही हम फ्रांसीसियों को और भारत आने वाले अन्य विदेशी शासकों को पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री का आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।